एक साल के बच्चों को नींद की समस्या, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। जन्म के बाद पहले 12 महीने में, मतलब एक साल में, यदि बच्चों को नींद की समस्या होती है तो आगे चल के उनको चिंता या डिप्रेशन, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ऐसा रिसर्च में पाया गया। 5 में से 1 बच्चे को जन्म के बाद पहले 1 साल में नींद की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है तो वो हमने ऐसा लाइटली नहीं लेना चाहिए कि ठीक है चलता है, ऐसा करके नहीं लेना चाहिए, उसका इलाज करना जरूरी है। क्योंकि ये बच्चों को यदि पहले साल में, जन्म के बाद पहले साल में यदि नींद का प्रॉब्लम है तो 3 गुना ज्यादा मानसिक समस्या आगे चल के होने के चांसेस है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, एक तो नींद नहीं आना जल्दी, या नींद अनियमित होना, या गाढ़ी नींद नहीं आना, ऐसी समस्या हो सकती है। क्या होता है कि उम्र के पहले साल में बच्चे करीब करीब 18 से 20 घंटे सो सकते हैं, 24 घंटे में से 18-20 घंटे सोते हैं और बाकी उठते हैं तो दूध पीते सो जाते हैं। तो इसमें यदि नींद की डिस्टर्बेंस होंगी तो फिर वो प्रॉब्लम है आगे चल के। उम्र के 4th साल में और 10th साल में इनको एंग्जाइटी और डिप्रेशन के प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। एक रिसर्च जब किया गया तो 10th साल के बच्चों को रिसर्च में स्टडी किया गया तो मालूम पड़ा कि उसमें से 19% बच्चों को अनियमित नींद थी, इरेगुलर नींद आती थी उनको। 56% लोग जो थे उनको गाढ़ी नींद नहीं आती थी, डीप स्लीप नहीं आती थी, और सिर्फ 25% के जो बच्चे हैं उनको ही ठीक नींद आती थी। मतलब करीब करीब 75% बच्चों को, 75% बच्चों को नींद के प्रॉब्लम पहले साल में थे, ऐसा पाया गया। तो आगे चल के एंग्जाइटी डिप्रेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और 4th साल और 10th साल में उनको प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि पहले साल में, उम्र के पहले साल में यदि बच्चों को नींद का प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि वो कम सोता है, या गाढ़ी नींद नहीं आती, या बहुत ही इरेगुलर नींद है, तो उसका इलाज होना जरूरी है। उसके लिए साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।